पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत है ये आन कटावे शीशे, बन बन भटका खात है यूं मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधना आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़ कर आ रहा है तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी। और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज्यादा कैच कराया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाओगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का, तो वो मगहर एक स्थान है आज भी है। वहां का राजा था बिजली खां पठान, वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहां अकाल गिर गया था मगर क्षेत्र में उसकी राज्य में, और सारे जंतर मंतर करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं, काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगर में, तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वह इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर गया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे, अब ये सिर्फ एक जो आज विषय सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगर के सभी हिंदू और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगर नगर में, एक कस्बा सा है मगर जैसे बरवाड़े थे भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था, तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है, सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया, और वहां कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था उसके संतान नहीं थी, 60 के ऊपर उम्र होगी थी दोनों की, तो परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया, उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर, उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर कर्म, मोहल्ला कबीर कर्म, यानी कर्म माने कृपा रहम, कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्वान है। हम गए थे वहां पर, हम वहां गए थे अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली का पठान उनका शेष हो गया, और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाओगा। परमात्मा कहा करते कि ये पंडित ब्राह्मण गुरु, यानी सभी ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, जो गुरु पद पर विराजमान है, उनके लिए कहा करते थे।
कि भाई ये आपके जो मंडलेश्वर हैं, गुरुजी हैं, ये सारे झूठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। और भाई अगर मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी, तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन में मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया।